तबक रोशन हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। बारातियों के साथ अभी इंतज़ार है कि बारात आती है तो उनका इस्तकबाल करते हैं। इधर फूलों के हार तैयार हैं और दूसरी तरफ फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। ये लम्हा बड़ा ही खूबसूरत होता है कि जब आप बारात का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हर आंख जो है वो इसी तरफ देख रही होती है कि कब बारात आती है। बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन कीजिएगा। और लीजिएगा, बारात की आमद हो गई है और बारात आ गई है। शादी के मौके पर ये तो है कि ख़वातीन को सजने धजने का मौका मिल जाता है और वो बहुत इंजॉय करती हैं। और ये हैं दूल्हे मियाँ, जो कि रवायती लिबास में आए हैं और साथ सड़बाला जी भी हैं। ये सड़बाला क्या होता है अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं। ये क्या खूबसूरत रस्में हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ख़ास तौर पर ये फूलों की पत्तियाँ का निछावर करना, खूबसूरती तो पैदा होती है और खुशबू भी हर तरफ फैल जाती है और आने वाला भी बड़ी खुशी महसूस करता है। शादी के फंक्शन में एक बात तो है कि आपकी बहुत सारे पुराने दोस्तों से भी एक ही छत के नीचे मुलाकात हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है। अहमद, क्या पी रहे हो? मैंगो जूस। चौंसा। वाह जी वाह, क्या बात है। पियो, स्वाद आ गया। पहले पी लिया। 14 तबक रोशन हो गया। और इधर लेडीज भी सज धज के बैठी हैं, वो भी खूब गपशप लगा रही हैं, साथ जूस वगैरह भी पी रही हैं और उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये मौका ही ऐसा होता है। क्या बात है, चौथा महीना हो गया जी। क्या बात है, चौथा जी माशाल्लाह। इधर इनको देख देख कर तो भूख और तेज़ होती जा रही है। लीजिए, खाना भी आ गया है और ये खाना तो बहुत ही मज़ेदार है। मैंने ये बात नोट की है कि जो पाकिस्तान में खाने बनते हैं उनकी क्या बात है, और स्पेशली ये जो खाना है ये इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये है मेरी प्लेट। और इधर दुल्हन राबी जो है वो अपने
भाई और भाभी के साथ हॉल में आ गई है। और ये जो मौका है ये बड़ा ही खूबसूरत होता है, और यहाँ पर अनार भी खाए गए हैं और सारे बहुत खुश हैं। वैसे निकाह हो चुका है, इसलिए वो अब आकर अपने होने वाले दूल्हा के साथ बैठ सकती है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सारे के सारे मर्द जो थे वो खड़े हो गए दुल्हन के इस्तकबाल के लिए। ये होता है ना इस्तकबाल, और ये होती है इज्जत। दूल्हे का तो दिल ही दीवाना लगता है, और ये रूप तो बड़ा ही सुहाना लगता है। आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब दुल्हन की सारी बहनें यानी कज़न जो हैं वो आ गई हैं। ये एक रस्म है जिसे दूध पिलाई की रस्म कहते हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत रस्म है। यहाँ पर दूध पिलाने का एक बहाना होता है, और साथ फिर ज़रा दूल्हे को भी तंग करना होता है और उनसे कुछ थोड़ी बहुत डिमांड भी होती है। ये सब एक शुगल होता है और बड़ा मज़ा आता है। यकीन कीजिएगा कोई झगड़ा फसाद होता नहीं है, पर मज़ा बड़ा आता है। और कभी डिमांड ऊपर जाती है और कभी कम होती है, और जिरा चलती है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, और यहाँ भी सारे इसी को इंजॉय कर रहे हैं। आप बताइएगा कि आप इसे इंजॉय करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये दूध क्या है वैसे, खराब लग रहा है। चेक को होता नहीं क्या, अजीब जी पीला पीला सा उसके अंदर आया हुआ है। ये चेक को इधर खुशियाँ जो हैं वो सर चढ़ के बोल रही हैं, और जबकि हमारे यहाँ उदासी आ गई है क्योंकि बारात जो रुखसत होने वाली है। बेटियाँ देनी कहाँ आसान होती हैं। अल्लाह मेरी सब बेटियों को दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आमीन।
साथ ही व्लॉग का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।